ये एक मूवी है एक लड़के के बारे में जिसे अपनी ड्रीम अचीव करनी रहती है, जिसे हर हर बंदे का रहता है, किसी को साइकिल चाहिए रहता है, किसी को कुछ और। तो ये जो है जिग्नेश, जिसे हीरो कहते हैं, उसे अपनी साइकिल चाहिए रहती है, बट उसकी फैमिली इतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं रहती। तो फिर वो साइकिल अपनी कैसे हासिल करता है और सोसाइटी में उसके साथ क्या क्या चेंज लाता है, तो ये वो स्टोरी है। नहीं, काफ़ी टाइम नहीं हुआ मैंने, बीच में ही जैसे एड्स तो करते ही जा रहा हूँ, जैसे ऋतिक रोशन के साथ मैंने रिलायंस की और अमिताभ जी के साथ मैगी की एड की, प्लस मूवीज चालू थे, जय गंगा जल अभी आई है, फक्त लड़मना एक मराठी मूवी की, मूवीज बहुत सारी की, शॉर्ट फिल्म्स भी की है। मेरे साथ असरानी अंकल है, अश्विनी कालशेखर जी है, अमिता दीदी है और सब मेरे साथ किड्स है, सब बच्चे हैं, हम लोग हैं इसमें। मूवी में तो शूटिंग कम मस्ती ज़्यादा थी, हम लोग बच्चे थे इसीलिए प्रैंक्स खेलते थे, मज़ा करते थे, गेम्स खेलते थे, तो मस्ती तो चालू ही थी फुल मूवी में। आयुष पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है, क्या बदलाव आ गया पहले से उस फिल्म में, इसमें क्या-क्या चीज़ें नहीं सीख चुके अभी तक? नई तो चीज़ें हर रोज़ जो भी है नई चीज़ें ही सीखते रहते हैं हर जन, तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ों में नई नई पता चली है, कैमरा के बारे में, एक्टिंग के बारे में, तो चालू तो है ही सीखना। अभी एक और एक मूवी है गांधी ऑफ द मंथ, हार्वी कार्टेल के साथ है, वो आने वाली है। बेसिकली ये एक हिंदी फिल्म है, इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल फिल्म, ये फिल्म सभी को इंस्पायर करेगी, एक फैमिली एंटरटेनर है जिसमें कुछ ह्यूमन वैल्यूज भी है, मैसेज भी है, और इसमें जो स्लमडॉग मिलियनेयर में जो आयुष खेड़ेकर है, जो यंग जमाल का रोल जिन्होंने किया था, तो वो है इसमें, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, प्लस अमिता पाठक जी हैं और अश्विनी कालशेकर ने आयुष के मम्मी का रोल किया है और अमिता जी ने आयुष के बहन का रोल किया है, बड़ी बहन का, और तीनों ने बहुत खूब किरदार निभाए हैं। और इसमें असरानी जी भी है जो गफूर चाचा का रोल करते हैं, जो एक साइकिल शॉप के ओनर है, और दर्शन जरीवाला जी भी है इसमें, उन्होंने भी बहुत बढ़िया किरदार है, और बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म है, एक बच्चा और उसके सपने की कहानी है और एक पारिवारिक फिल्म है, और सभी को बड़ा मज़ा आएगा, बहुत इंस्पायर करेगी। सर, हाँ सर, बात करें इसमें जो इसका खेड़ेकर का किरदार है जी, किस तरह का? जैसे कि स्लम मिलेनियर में इसका काफ़ी अच्छा किरदार था जी, स्लम डाउन मिलेनियर में वो एक गरीब बच्चे का रोल कर रहे थे, धारावी के एक स्लम, इसमें ही इज़ अगेन प्लेइंग एक गरीब बच्चा है, लेकिन एक गुजरात के गांव का बच्चा है, और उसकी माँ जो है वो गरीब दिखाई है और पापा नहीं है और एक बड़ी बहन है, तो कैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक गुजरात की एक छोटे से गाँव का बच्चा, उसके क्या सपने हैं और उन सपनों को पाने के लिए वो क्या क्या संघर्ष करता है और कैसे फाइनली अपने सपनों को साकार करता है, तो ये पूरी जर्नी है उसकी। एक तरह से बच्चों की फिल्म कही जाएगी या बड़े सबके लिए, यूथ के लिए? नहीं, इसमें मुख्य किरदार भले ही बच्चे का है, लेकिन एक फैमिली फिल्म कही जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये सपनों की कहानी है, हम सबके मन में कहीं ना कहीं एक सपना गढ़ा होता है और हम सब अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, तो ये फिल्म हर किसी को इंस्पायर करेगी, तो ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है, एक पूरी फैमिली एक साथ बैठकर एंजॉय कर सके ऐसी फिल्म है। बहुत अच्छा है, मोंटी शर्मा जी ने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया है, और इसमें हमने जैसे कहानी के हिसाब से सारे सिचुएशन सॉन्ग्स है, जैसे हमारे बच्चे का सपना है कि उसको खुद की एक साइकिल चाहिए, तो हमने सोचा कि एक साइकिल के ऊपर एक गाना होना चाहिए, एक साइकिल का एंथम होना चाहिए, तो एक गाना है जिसका नाम है साइकिल मारी जोई के, गुजराती में जोई के मतलब देखा क्या, तो एक बच्चा है और एक साइकिल के लिए गाना गा रहा है कि मेरे पास एक साइकिल है और मेरी साइकिल देखी क्या, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिफरेंट काइंड का गाना है। दूसरा गाना जो है वो एक सैड सॉन्ग है जो अर्पिता मुखर्जी ने गाया है, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इमोशनल टचिंग गाना है, और उसके अलावा एक गणेश जी का, गणपति बापा का गाना है, क्योंकि फिल्म में एक एंगल गणेश जी का भी है कि एक गांव में गणेश मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि जो सच्चे दिल से वहां पर प्रार्थना करे, चिट्ठी रखे, तो सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो
लेकिन पता चलता है कि कैसे हमारा हीरो और उसकी जो दोस्तों की गैंग है वो कैसे लोगों के सपने साकार करें, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला अपनी मदद करेंगे। तो बहुत ही अच्छा एक गणेश जी का भी गाना है, और उसके अलावा संदीप बत्रा जी ने एक गाना कंपोज किया है, वो उस गाने का नाम है आतिश है तू, जो दिव्य कुमार जी ने गाया है। वो बहुत ही इंस्पिरेशनल गाना है कि तुझ में आग है तू, तो वो गाना आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल इंस्पायर कर देगा। और जितने भी लोग हैं जो लाइफ में हताश है, मायूस है, या कहीं ना कहीं उम्मीद हार चुके हैं, उनको एक नई उम्मीद देगा। तो जितने भी लोगों ने सुना है उनको काफ़ी अच्छा लगा है, टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। और जब हम किसी की मिसाल देते हैं, जैसे कोई अच्छा काम कर जाता है, जैसे एक था राजा, तो कोई एक राजा अच्छा काम कर गया तो हम उसकी मिसाल देते हैं, तो वैसे ही हमारा हीरो जो है वो ऐसा कुछ कर जाता है कि सब उसकी मिसाल देते हैं, तो इसलिए फिल्म का टाइटल है एक था हीरो। शुक्रिया। मेरा नाम है तनवीर गाजी, और इस फिल्म के लिए मैंने गाना लिखा है, जो प्रोमोशनल सॉन्ग है आतिश है तू, ये गाना मैंने लिखा है। एक्चुअली ये जो इसका कैरेक्टर है, एक बच्चा, उसका एक ख्वाब है, वो ख्वाब को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करता है, जद्दोजहद करता है। तो उस एक्चुअली ये गाना दो तरीके से, एक तो कैरेक्टर को भी मोटिवेट करता है, और एक आम आदमी जो आम जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, हर आदमी का एक ख्वाब है, एक गोल है, उसको पूरा करना चाहता है और कुछ रुकावटें उसके रास्ते में हैं, तो वो उस हालात से लड़ते हुए आदमी को हौसला देने का काम करता है हमारा गाना, जिसका नाम है आतिश है तू। जिसे आप जी एक्चुअली मैं गाता नहीं, मैं बोल देता हूँ, अंतरे की लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि साहस ने टहनी छीली है, कोशिश माचिस की तीली है, किस्मत की लकड़ी गीली है तो क्या हुआ, तुझमें 100 सूरज पलते हैं, अंधियारों तुझको छलते हैं तो क्या हुआ। जी देखिए, म्यूज़िक बहुत ही सिंपल है, इट्स फ्रॉम द हार्ट, और जो चीज़ दिल से आती है वो हमेशा दिल को छूती है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल फिल्म, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी गोइंग टू एंजॉय इट। इसमें तीन गाने किए हैं हमने, एक गणपति पापा का भजन है जो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट ऑफ एनीथिंग, हम हमेशा गणेश जी की पूजा करते हैं, और फिर एक गाना है मेरी साइकिल, साइकिल जोई के, इट्स ऑल अबाउट हाउ द लिटिल बॉय वॉन्ट्स द साइकिल, व्हाट ही डज, हाउ ही वर्क्स हार्ड एंड हाउ ही अचीव्स, कैसे वो अचीव करते हैं जो उनको चाहिए। और फिर एक सैड सॉन्ग है जो अर्पिता ने गाया है, बहुत ही वी वर्क वेरी हार्ड ऑन इट, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड आई एम श्योर कि लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा वो गाना। इसमें संदीप बत्रा करके हैं जो बहुत शोज करते हैं, और उन्होंने गाना भी किया है, वी टेकन अ सॉन्ग फ्रॉम हिम, एंड नेहा करके हैं, नेहा वैष्णव, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, अर्पिता मुखर्जी हैं, कुछ पार्ट्स हमने गाए हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ न्यू सिंगर्स। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।